छोड़े सरकार। छोटे सरकार, ये आप कहाँ जा रहे हैं? छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, मर गया, चला गया। मैं जानता हूँ मुंशी मागनलाल की मौत इसी लड़के के कारण होगी। अब मैं बड़े सरकार को क्या जवाब दूंगा कि कहाँ गया? हाँ, लोहे की टोपी, हेलमेट, मर गया, तब तो जरूर हवाई जहाज चलाने गया। अब मैं क्या करूँ? मेरा घर को तेरा देख के नहीं चलता। अरे बाप रे बाप, उधर मुसीबत, इधर मुसीबत। हेलो कंट्रोल टावर, मैं मुंशी माखनलाल बोल रहा हूँ, सेठ बिजमोहन सक्सेना के घर से। देखो विजय बाबू वहाँ आ रहे हैं, उनको अपना हवाई जहाज मत निकालने देना। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। अरे बाप रे, मुंशी आ गया। रुक जाइए छोटे सरकार। ए पीटर। यस सर। जल्दी करना फटाफट यार। ओके सर। क्या है? छोटे सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? उधर आइए। अगर बड़े सरकार को मालूम हो गया कि आज के दिन भी आप हवाई जहाज चला रहे हैं, तो आपका जन्मदिन मेरे लिए मरण दिन हो जाएगा। अरे मुंशी जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप उस तरफ से अंदर आ जाइए, उस तरफ से। उधर आइए, उधर आइए। आइए आइए मुंशी जी, अंदर आ जाइए। अरे आइए ना, आइए। अरे अंदर आ जाइए मुंशी जी। आइए ना। अरे मुंशी जी, अरे पकड़ लिया मुंशी जी, अब तो नहीं छोड़ूंगा। छोटे सरकार, ये कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? तो जा रहे हैं। छोटे सरकार, तुम मुझको उतार लीजिए, मैं मर गया। देखिए और मुझ पर रहम खा के जमीन पर उतार दीजिए। मेरी दो बीवियां और चार जवान लड़कियां हैं, कम से कम उन पर तो रहम पुरुषों की कमी नहीं जग में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जन्मदिन हमारे पोते का है और तालियां हमें देखकर बजा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी जवानी के जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अरे खान साहब, जाएगी कैसे? हम एक बात जो कह दें वो बिल्कुल सच होता है और पत्थर की लकीर होता है। हमने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, याद है आपको? आज से 25 साल पहले हमने कहा था कि हम 45 बरस के हैं, आज भी हम 45 के हैं। खुदा के फजल से सारी जिंदगी 45 के ही रहेंगे। फोर भाई अंकल, विजय कहाँ है? विजय यही कहीं होगा, अभी आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी बातें करते हैं सेठ जी, अब तो भगवान तक पहुँचने में कैसी तकलीफ? मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। कहो बेटी, कैसी हो? I'm fine, thank you uncle, how are you? fine, thank you. जी सरकार, इन लोगों के लिए ऊपर का मेहमान खाना खुलवा दो, गाड़ी में से सामान निकलवा कर ऊपर पहुँचा दो, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जब कुछ दिन हमारे पास रहेंगे। अच्छा सरकार, आओ तो मैं मेहमानों से मिलवाओ। इन बाप बेटी को सरकार ने हांगकांग से क्यों इंपोर्ट किया? जरूर इसमें कोई मकसद होगा। फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको अपने बहुत पुराने साथी और मित्र से मिलाना चाहते हैं।
ये है मिस्टर हरचरण वर्मा और ये है इनकी खूबसूरत बेटी आरती। आज हम आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। वो ये है कि आज हमारे पोते विजय का जन्मदिन ही नहीं बल्कि आरती और विजय की सगाई का दिन भी है। लेकिन दादाजी विजय कहाँ है? जी, इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया है मगर अकल छोटे बच्चे जितनी भी नहीं है। हम तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए अपने सारे काम धंधे बंद करके लंदन से यहाँ आए और तुम्हारे पास हमें मिलने के लिए वक्त भी नहीं है। सॉरी दादाजी, वो सॉरी के बच्चे, हमने तुम्हें इतनी छूट इसलिए दे रखी है कि हमारे स्वर्गवासी बेटे ने एक पोता दिया। इसमें मेरा क्या कसूर दादाजी, मैंने थोड़ी उन्हें रोका था। Shut up! तुम भी हमारी तरह बहुत बोलने लग गए हो। विजय, आज हम तुमसे बहुत सीरियस बात करना चाहते हैं। तो कीजिए। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, जानते हो तुम कितनी फैक्ट्रियों कितनी कंपनियों के मालिक हो। कल से तुम 6 बजे उठोगे और 1 घंटे के अंदर तैयार होकर 7 से 8 बजे तक ओवरसीज की कॉल अटेंड करोगे जी? और 8 से 8:30 के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट करके गाड़ी में बैठकर सीधे ऑफिस जाओगे। वहाँ तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हारे पास आएगा और जरूरी मैटर डिस्कस करेगा। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने अपने रिपोर्ट और प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आएंगे। फिर 1 से 1:30 बजे तक लंच है, लंच का मतलब है कि सिर्फ सूप और सैंडविच मिलेगा। मगर दादाजी, अगर कुछ नहीं, अगर तुम सीधी तरह नहीं माने तो हम तुम्हें ऑफिस की कुर्सी पर बिठा कर जंजीरों से जकड़ देंगे और तब तक जकड़े रखेंगे जब तक कि तुम बूढ़े नहीं हो जाते और तुम्हारा बेटा कुर्सी के काबिल नहीं हो जाता, समझे दादाजी? La 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 la